नमस्कार भैया, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। भैया आज इस वीडियो में हम बताऊंगा हमारे ट्रैक्टर की अब जो लाइट है पिछली ये जल नहीं रही, एक या इधर एक्स्ट्रा लगा रखी, दूसरी ऊपर छतरी में कोई लाइट नहीं है ना आगे ना पीछे, अगर ज़रूरत लगेगी तो लगा लेंगे, और अगर उससे लुक आती हो कुछ तो आप कमेंट करके बताइए लगा लेंगे। आपको मैं एक बार चेक करा दिया, पेंचकस ले आए थे, बस पेंचकस की ज़रूरत पड़ेगी मुझे खोलने के लिए। चाबी भी ऑन कर दी, देख लो, और इसे जलाने के लिए शायद दिक्कत तो है, उरले वाली भी कर रही, चाबी भी ऑन है। मैं एक बार फिर भी दिखा दूँ आपको, देखो एन न्यूट्रल जल रहा तो चपनी होने, अब ये लाइट है या जली नहीं, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये जलती नहीं है। इस साइड जो दूसरी लगा रखी या भी कुछ प्रॉब्लम सी कर रही, कोई सी लाइट नहीं जल रही, और पीछे जो है लाइट की जरूरत, मुझे लगे यार जलती अभी जो है इसका जो ऑफ कर ले, दोनों भी चेक करेंगे, और इसका यो पेज हमारा यो पेंच खोल लेंगे, ऐसे एंटी क्लॉक वाइज घुमाऊंगा तो खुल जाएगा, ऐसे पूरा उतारने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा इतना उतारना जो इससे नीचे निकले कर लिया, जो ऐसे नीचे को इसके बीच में हो रहा है जिससे दोनों बीच है ना लॉक सा। अब यो ये देखो ये बाहर आ गई, बट कुछ लाइट टाइट आ गई, लूज थी लूज ही बाहर आ गई है, तो इसका जो है मैं आपको देख के बता दूं क्या प्रॉब्लम है इसमें। यो दो इसका देखो बल्ब है, और इसमें ऐसा बल्ब पड़े, देखो इसका जो है एक तार, ये देखो ये तार लिकड़ा पड़ा, अब कोई भाई हूँ तो कहीं ने तार मैंने खुद निकाल रखा, क्योंकि अंदर से हालत देख लो इसकी क्या हो रही, अभी देखेंगे आगे से लगाने के बाद ये जलेगी या नहीं। भी नहीं जली है तो अब क्या प्रॉब्लम हो सके, ये अब भी नहीं जल रहा, ये देख अब भी नहीं जली, स्विच भी होने चाबी भी होने, अभी एक बार बल्ब और चेक कर ले, बल्ब तो फ्यूज नहीं है, खोलने का तरीका मुझे भी नहीं पता सही ढाल, पर आज खोल के देखूंगा मैं अभी से पहली बार इसका इसका एक पेंच, यो पड़ा देखो भैया यहाँ, यो इस पेंच को निकाल लेंगे हम यहाँ से, ये उठने पड़े एक बार मैं इसे उठा लूँ जाके दिखाऊँ। ये देखो बल्ब तो मैंने इसमें से उठा लिया, वो बल्ब कहला पिंच, ये जो छोटा सा पिंच था जिसमें डोरी दबरी हो गई यहाँ पे, ये तो मैंने इसमें से उठा लिया और रखा। अब इसे खोलने का तरीका बताऊँगा आपको, ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है इस स्प्रिंग को यहाँ से निकल लेंगे इसमें से, ये देखो अंदर से सीधा है,
स्प्रे निकालने के बाद ऐसे उठ सको, और ये जो है ये हमारा अलग हो गया बिल्कुल, इसको हम अलग रख देंगे कहीं पर। अभी हम बल्ब चेक करेंगे तो देखो इसका जो है बल्ब फ्यूज है, देखो अंदर तो ये बल्ब देखूँ मैं रखा गया। अगर ये बल्ब हमारे पास रखा होगा तो इसमें वो बल्ब लगा देंगे। ये बल्ब भी डबल पॉइंट का है, सिंगल पॉइंट का है, डबल पॉइंट का तो हमारे पास रखा होगा। चलो मैं एक बार चेक करूँ, ट्यूब तो रखी है हमारे पास शायद, पर ट्यूब का होल्डर पड़ा होगा कोई तो वो लगाऊंगा इसमें। इसमें हम इस बल्ब की जगह फिर हम इसमें ट्यूब सेट करेंगे, कोशिश करेंगे ट्यूब लग जाए किसी तरीके से। चलो मैं बल्ब देख लूँ, जब ये पेंच तो इसमें खींच दिया हो दबा के, जब भी ऑन है मैं इस ट्यूब की बात कर रहा था, ये तो रखी क्योंकि ये उसमें यूवो में तो लिकड़ी थी अगली लाइट में, तो जब बम्पर में लाइट लग रही, और अब ये भी ये इसमें लगनी पड़ेगी। अभी घेर में और देख कम्मा रखी या नहीं रखी, अगर वहाँ हुई तो ठीक है, वरना तो फिर कुछ और देखना पड़ेगा। चलो मैं देखूँ, जब मैं आ गया घेर में तो भाई इसमें देख रहा था तो एक बल्ब मिला, मुझे लगता नहीं हो डबल पॉइंट वाले ही है। देखो तो डबल पॉइंट वाले में तो हम वही में डाल देंगे ट्यूब में डबल पॉइंट के लगे, और देख लो कहीं कोई रखा हो तो नहीं तो बस लाना पड़ेगा जाके। अभी आज तो जाने भी नहीं मिलेगा, आगे डाल लेंगे जब दिखाऊंगा। डबल पॉइंट जाऊंगा हमारे पास में सिर देना पड़े, वहाँ जाऊंगा कल को ले जाऊंगा, तब तक दूसरी भी खोल के चेक और कर ले, उसके लिए भी बल्ब बल्ब बंद होगा क्योंकि उसका बल्ब भी नहीं है, तो बल्ब ले आऊंगा। ये मल्चर खड़ा हमारा मल्चर ही है भाई, शक्तिमान है, शक्तिमान का 7 फुट का मिल चलेगा, रोलर है इसका पीछे, इसकी डिटेल वीडियो बना देंगे कैसा हो गया कैसा वर्क करे। ये बल्ब तो भाई लेके जाना पड़ेगा क्योंकि इसे दिखा के लिए आऊँगे, इसको तो मैं बाहर ही रख लेता हूँ, और ये ट्यूब भी इसमें लग नहीं सकती तो इन्हें भी रख देता हूँ। इसमें नूर चेक करेंगे, यहाँ करंट आ भी रहा है नहीं, मैं एक छोटी सी डोरी चाहिएगी, तब तक पहले इसे इस वाली लाइट को खोल लूँ। ये वाली लाइट खोलने के लिए पेंच का दूसरी साइड से करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टार पिन वाला पेंच नहीं। जली वाली भी नहीं रही,
शेक और कर लूं। इसमें चौक सी आवे जब लगे बहुत हल्की सी जल है, पर चलो खोल के देखेंगे इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ये टाइट खुलेगी भाई, ये थोड़ी सी लाइट वैसे बढ़िया वाली है, अभी हाइलक्स की लाइट है। देखो इसमें यहाँ पे तरली साइड में आप पिंच कस लगा के और थोड़ा सा रोटेट कर दो और ऐसे ही दूसरी साइड में लगा के इसका रीजन देखेंगे अभी क्यों नहीं जलती। मैंने ऐसे खोल ली, इसमें वैसे वाला बल्ब है जैसे गाड़ियों की फोग लाइट में देख रहे हैं, से भी देख ले फ्यूज तो ना है। ये तो देखने में तो भाई सही लग रहा, जल क्यों नहीं रहा है। देखो इसे अर्थ सही नहीं मिल पा रहा, इस वजह से नहीं चल रहा। मैं ये देखो इसका जो यो वाला पार्ट हो, यो अर्थ दे रहा है इस बल्ब को, तो अभी से जब अर्थ मिल गया तो यो गैल जल गया। देखो ये देखो मैं क्या दिखाऊं, ये जल गया देखो, गर्म बहुत जल्दी हो गए। अब मैं इसे एक बार फिर इसमें रख दूँ, ये इसमें रखा जाएगा ऐसे, एक बार इसमें रख के देखते हैं इसमें क्यों नहीं जल पा रहा। रेग मार मारेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा जब चेक करेंगे। अब इसका स्विच बंद कर दूँ, और आगे भी मैंने इसके लिए एक स्विच लगा रखा जिनसे नीचे वाली लाइट जले, ये वाला स्विच, इससे ही वहाँ करंट पहुँचे। तो ये स्विच मैंने वो कर लिया, और मैं एक बार छोटा सा रेग मार का टुकड़ा लिया हूँ, एक डोरी लिया हूँ, फिर चेक करो। अम्मा भाई ये लिया है मैंने डोरी का टुकड़ा छोटा सा, और ये एक रेग मार का पीस है, रख लो पहले इसमें। यहाँ चेक करेंगे यहाँ करंट भी है या नहीं है, मतलब मैं यहाँ पर देख रहा था तो यहाँ मुझे लगा नहीं जैसा करंट हो, तो एक बार चेक हो जाएगा। तो इस पे रख के और हम इसे यहाँ पे भैया कोई चिंगारी आई नहीं, दूसरी साइड रख के भी देख ले। तो यहाँ मुझे लग नहीं रहा यहाँ करंट भी आ रहा, इसमें अंदर यहाँ कपलर होंगे वहाँ चेक करेंगे। तो इसके लिए ट्रैक्टर थोड़ा सा
पहले में इसे लगा के बंद बंद कर देंगे तो फिर चेक कैसे होगा। चलो पहले इस वाले को ठीक कर ले, उसको बाद में देखेंगे। अगली वीडियो आएगी भाई उस लाइट के लिए, कैसे रिपेयर होगी क्या होगा। अभी आज हम इसको ठीक करेंगे। तो इसमें जो है ये बल्ब है, इसको तो हम एक साइड कर लेंगे। इसके जो ये है, ये वाली जो हिस्सा है, इस पर हम रेग मार मारेंगे, इसे अच्छी तरीके से साफ करेंगे, जिससे अर्थ बढ़िया मिल जाए। यहाँ पे कार बना रहा, देखो अगर आप देख पा रहे हो, ये देखो। इसे साफ करके फिर लगा के चेक करेंगे, जरूरी नहीं जरूरी। एक बार मैं साफ कर लूँ जब दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये कर दिया इसमें फिट। अब जलाऊंगे, ये जल गया, ये देखो फिट जल रहा अभी तो। और इसका बल्ब भी ले आऊंगे हम, दूसरा बल्ब भी ला के इसमें लगा के देखेंगे, क्योंकि कभी कभी ये दिक्कत कर रहा है मुझे। तो ये बल्ब तो वैसे भी मिल जाऊंगा, मैं इसी ले आऊँगा जाके। अब इसे फिट कर दें एक बार, और फिट करने के बाद एक बार फिर चेक करेंगे तो फिट होगी ऐसे। बंद करते हैं, हमें एक चीज़ देखनी, ये जो है इसके सामने लेना, यहाँ ले कर थोड़ी सी दबा देना, जैसे एक दर्ज है, जो हो गया लॉक। अब यो पेंच इस पर लूज करके चटा लेंगे, इसमें इसे टाइट कर देंगे। यूं कर दिया टाइट। अब एक बार और जला के देख ले, ये जली नहीं, देखो देखो, इसमें किसी चिंगारी सी दे गई, ये जलेगी। तो इसका बल्ब लाना पड़ेगा, ये देखो जल जाएगी। बल्ब लाऊंगे, वो लगाऊंगे और इसको चेक करेंगे, इसकी अगली वीडियो होगी। एक दो दिन में जब भी जाऊंगा इसके लिए बल्ब लेकर आऊंगे और जब दिखाऊंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।